डियर स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। EE201 में यूनिट 10 सीक्वेंशियल सर्किट को हम काफ़ी दिनों से डिस्कस करते आ रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने एसिंक्रोनस काउंटर्स में अप काउंटर, डाउन काउंटर, डिकेड काउंटर और अप डाउन काउंटर स्टडी कर लिया है। इसके बाद हमें रिंग काउंटर और जॉनसन काउंटर भी स्टडी करना है, परंतु रिंग काउंटर और जॉनसन काउंटर की स्टडी करने से पहले हमें रजिस्टर्स एंड शिफ्ट रजिस्टर का आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग इनके बारे में जानेंगे, जिसके बाद हम रिंग काउंटर को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, रजिस्टर्स एंड शिफ्ट रजिस्टर्स। सबसे पहले जानते हैं कि रजिस्टर्स क्या है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में रजिस्टर्स बेसिकली ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं, जो कि कैस्केड एक के बाद एक कनेक्टेड होते हैं, और यह बेसिकली ई ग्रुप ऑफ बिट्स बाइनरी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए काम में लिए जाते हैं। मैं इस बात पे एक बार फिर से बोलना चाहूँगा कि रजिस्टर्स का मेन एप्लीकेशन है बाइनरी इंफॉर्मेशन को स्टोर करना या ग्रुप ऑफ बिट्स को स्टोर करना, यह इसका मेन फंक्शन है। बहुत बार इस पे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि यह ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स है। तो फ्लिप फ्लॉप बेसिकली क्या करता है? तो हमने अभी तक जाना है कि फ्लिप फ्लॉप एक बेसिक मेमोरी स्टोरेज सेल है, जो कि 1 बिट को स्टोर कर सकता है। फ्लिप फ्लॉप कैन स्टोर 1 बिट। इस पे ऊपर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फ्लिप फ्लॉप 1 बिट को स्टोर कर सकता है। यदि हमें 2 बिट स्टोर करनी है तो हमें 2 फ्लिप फ्लॉप की आवश्यकता होगी। 3 फ्लिप फ्लॉप होंगे तो 3 बिट स्टोर कर पाएंगे। और हम कह सकते हैं कि n नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन है, लार्ज इन्फॉर्मेशन है, तो हमें n नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप की आवश्यकता होगी। तो हम कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ बिट्स बाइनरी इन्फॉर्मेशन के लिए हमें n नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स की आवश्यकता होगी। और ये जब फ्लिप फ्लॉप्स आपस में कनेक्टेड हो तो जिस स्ट्रक्चर का निर्माण होता है, जो बनता है, उसे ही रजिस्टर कहते हैं। आई थिंक द डेफिनेशन इज क्लियर। अब हम जानते हैं कि ये चारों ही अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप, SR फ्लिप फ्लॉप, JK फ्लिप फ्लॉप, T फ्लिप फ्लॉप और D फ्लिप फ्लॉप में से D फ्लिप फ्लॉप ही शिफ्ट रजिस्टर में बेसिकली यूज में लिया जाता है। हम जानते हैं कि D फ्लिप फ्लॉप ऐसा फ्लिप फ्लॉप है, व्हाटएवर जो भी इनपुट इसके D इनपुट पे होता है, आफ्टर सम क्लॉक पल्स डिले वो आउटपुट पे ट्रांसफ़र हो जाता है। यदि D की वैल्यू 0 हो तो भी आउटपुट पे भी 0 आ जाएगा। D की वैल्यू 1 होगी तो आउटपुट पे 1 आएगा, आफ्टर सम क्लॉक डिले। मीन्स हम कह सकते हैं कि D फ्लिप फ्लॉप गिव्स आउटपुट विच इज सेम एज इनपुट आफ्टर सम डिले। D फ्लिप फ्लॉप बेसिकली डिले प्रोवाइड करता है इनपुट में। D के बाद यदि बात करें तो हम JK फ्लिप फ्लॉप और SR फ्लिप फ्लॉप को भी काम में ले सकते हैं। यदि हम JK फ्लिप फ्लॉप को काम में लेना है तो उसको सबसे पहले हमें D फ्लिप फ्लॉप में उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। और यदि JK फ्लिप फ्लॉप को D में कन्वर्ट करना है तो J और K के बीच में हमें एक नॉट गेट लगाना पड़ेगा, जिससे JK फ्लिप फ्लॉप D फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद हम इस JK फ्लिप फ्लॉप को, जिसमें J और K के बीच में नॉट गेट लगा हो, हम शिफ्ट रजिस्टर में काम में ले सकते हैं। तो फाइनली अब हम रजिस्टर को मोर प्रिसाइजली डिफाइन कर सकते हैं कि रजिस्टर कंसिस्ट ऑफ ए ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप एंड गेट्स। द ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप टू होल्ड द बाइनरी इन्फॉर्मेशन, बाइनरी इन्फॉर्मेशन को होल्ड करने के लिए फ्लिप फ्लॉप की आवश्यकता रहेगी, और उनके बीच में गेट्स यह कंट्रोल करेंगे कि इनपुट डेटा और आउटपुट डेटा का ट्रांसफ़र फ्लिप फ्लॉप के अंदर कैसे होगा, उनके बीच में कंट्रोल कैसे होगा। एक यदि सिंपलेस्ट रजिस्टर कोई बनाना चाहे तो वह सिंपल D फ्लिप फ्लॉप की सहायता से बना सकते हैं। हमने यहाँ पर, जैसा कि आप
स्क्रीन पे देख रहे हो, हमने एक 3-बिट रजिस्टर बनाया है डी फ्लिप फ्लॉप की सहायता से, जिसमें सभी फ्लिप फ्लॉप को एक कॉमन क्लॉक पल्स दी गई है। ए वॉट एवर इनपुट, माना कि एक 3-बिट की इंफॉर्मेशन है, I0, I1, I2 तीनों ही डी फ्लिप फ्लॉप के इनपुट पे अवेलेबल प्रेजेंट है, और जैसे ही क्लॉक पल्स इसमें हम प्रोवाइड करेंगे और जैसे ही क्लॉक पल्स ट्रांजिशन होगा, यह इंफॉर्मेशन जो कि डी इनपुट पे अवेलेबल है, डेट विल बी अवेलेबल एट द आउटपुट डी क्यू आउटपुट ऑफ द डी फ्लिप फ्लॉप। इस हिसाब से यह डायग्राम सबसे सिंपलेस्ट रजिस्टर का हम कह सकते हैं। तो अभी तक हमने रजिस्टर के बारे में जाना कि मेन पर्पज है रजिस्टर का टू स्टोर ग्रुप ऑफ बिट्स। अब हम जानते हैं कि शिफ्ट रजिस्टर क्या है। शिफ्ट रजिस्टर भी बेसिकली रजिस्टर ही होता है, बट उसमें शिफ्टिंग की क्षमता होती है, मींस इट हैज अ कैपेबिलिटी ऑफ शिफ्टिंग इट्स बाइनरी इंफॉर्मेशन इधर टू द राइट और लेफ्ट। जो भी स्टोर्ड रजिस्टर के फ्लिप फ्लॉप्स के अंदर स्टोर्ड है, उसको लेफ्ट डायरेक्शन या राइट डायरेक्शन में शिफ्ट करने की इनमें क्षमता होती है। तो हम कह सकते हैं कि शिफ्ट रजिस्टर में क्लॉक पल्स अप्लाई करके डेटा को लेफ्ट या राइट में शिफ्ट किया जा सकता है। हैंस द नेम शिफ्ट रजिस्टर, मीन्स शिफ्ट करने की इसमें कैपेबिलिटी होती है। तो शिफ्ट रजिस्टर को हमें डिज़ाइन करना है, तो इन शिफ्ट रजिस्टर क्या क्या चीज़ें हम करते हैं कि आउटपुट ऑफ वन फ्लिप फ्लॉप इज कनेक्टेड टू द इनपुट ऑफ द नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप। जैसे 3-बिट का शिफ्ट रजिस्टर बनाना है, तो तीनों फ्लिप फ्लॉप में एक फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट दूसरे के इनपुट में, दूसरे का आउटपुट तीसरे के इनपुट में कनेक्ट किया जाएगा। आउटपुट ऑफ वन फ्लिप फ्लॉप इज कनेक्टेड टू द इनपुट ऑफ द नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप एंड ऑल द फ्लिप फ्लॉप रिसीव अ कॉमन क्लॉक। सारे फ्लिप फ्लॉप को एक कॉमन क्लॉक से गवर्न किया जाता है। ये भी बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। अब जो भी इंफॉर्मेशन इनपुट और आउटपुट पे ट्रांसफर होगी, उसके दो तरीके हो सकते हैं कि यदि शिफ्ट रजिस्टर में डेटा इनपुट करना हो तो वो दो तरीके से हो सकता है, सीरियल इन और पैरेलली इन हो सकता है। यदि डेटा आउटपुट करना है तो भी सीरियली आउट या पैरेलल आउट हो सकता है। तो डेटा इनपुट और डेटा आउटपुट की इन दो प्रकार की विधियों के आधार पर टोटल 4 प्रकार के शिफ्ट रजिस्टर बनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहला है सीरियल इन सीरियल आउट, दूसरा है सीरियल इन पैरेलल आउट, तीसरा पैरेलल इन पैरेलल आउट, चौथा पैरेलल इन सीरियल आउट। इसको ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन की सहायता से समझते हैं कि ये चारों ही कॉन्फ़िगरेशन कैसे काम करते हैं। माना प्रत्येक बॉक्स एक फ्लिप फ्लॉप की तरह बिहेव कर रहा है, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं SISO। तो इन्फॉर्मेशन है वो सीरियली इन हो रही है, मीन्स इन्फॉर्मेशन लेट से 4-बिट का नंबर है, तो एक एक जैसे जैसे एक क्लॉक पल्स होगी, एक बिट एंटर करेगी, दूसरी क्लॉक पल्स होगी, तो वह बिट जो स्टोर हो चुकी है वो आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएगी और दूसरी इन्फॉर्मेशन पीछे आएगी, मीन्स एक एक करके बिट इसमें एंटर करेगी, इसको सीरियली इन कहते हैं। और जब इन्फॉर्मेशन रिट्राइवल होगा, इन्फॉर्मेशन टू बी टेकन आउट, वो भी सीरियली आउट होगी, इसलिए इस तरह के कॉन्फ़िगरेशन को SISO सीरियल इन सीरियल आउट कहते हैं। इसमें इन्फॉर्मेशन लेफ्ट डायरेक्शन में यदि शिफ्ट होती है तो वो LSR लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर कहलाएगा, यदि राइट डायरेक्शन में इन्फॉर्मेशन शिफ्ट होती है तो वो राइट शिफ्ट रजिस्टर होगा। SISO पे एक सेपरेटली मैं वीडियो बनाऊंगा, उसमें हम इसको और डिटेल से देखेंगे, इसका कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, इसकी ट्रुथ टेबल देखेंगे, टाइमिंग डायग्राम देखेंगे। अभी जस्ट इसका इंट्रोडक्शन यहाँ पर डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं सीरियल इन, तो अभी सीरियल इन इंफॉर्मेशन हमने देख लिया है कि इंफॉर्मेशन एक एक बिट इसमें एंटर करती है, बट अब
SIPO में बेसिकली एक बार इंफॉर्मेशन एंटर कर गई और वो फ्लिप फ्लॉप के अंदर स्टोर्ड हो गई है। अब जो डेटा आउटपुट लेने का प्रोसेस है वो है पैरेलली सारे डेटा को एक साथ ही आउट में ले लिया जाएगा, इसीलिए इस तरह के ए कॉन्फ़िगरेशन को सीरियल इन पैरेलल आउट कहते हैं। तीसरा कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है कि इंफॉर्मेशन पैरेलली इनपुट हो, मीन्स एक एक करके नहीं, सारी की सारी बिट सारे फ्लिप फ्लॉप पे एक साथ ही इंसिडेंट हो, सब पे पैरेलली इंसिडेंट हो, सभी एक साथ ही स्टोर हो जाएगी और उसको एक एक करके सीरियली आउट लेंगे तो तीसरा कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा PISO। और चौथा कॉन्फ़िगरेशन है पैरेलल इन पैरेलल आउट, जिसमें इंफॉर्मेशन को पैरेलल स्टोर किया जाता है और पैरेलल एक साथ ही रिट्राइव किया जाता है। तो ये चार प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन शिफ्ट रजिस्टर में पॉसिबल है और दो तरीके से ऑपरेशन लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट दो प्रकार से पॉसिबल है। हम इनको डिटेल में एक एक करके भी आगे के वीडियोज में डिस्कस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट SIPO पे SISO पे ए वीडियो लॉन्च करूँगा जिसमें आपको डिटेल में समझ में आएगा। उसी SISO में है फीडबैक और इनवर्स फीडबैक से रिंग काउंटर और जॉनसन काउंटर कैसे बनते हैं उसके बारे में भी जानकारी दूंगा। उम्मीद करता हूँ कि अभी तक का शिफ्ट रजिस्टर का ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।